मानू क्या बना रहा है? अब मैं बना रहा हूँ झोल, जिस झोल में मोमो को डिप करना है, मतलब सूप ही होता है ये, नेपाली डिश है। नेपल नेपाली डिश है। नेपली नेपलीज कहते हैं इंग्लिश में। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। यू वॉचिंग प्रियांक आर्य। एक तरफ से गुहार लगाई जा रही है, लगातार आवाजें आ रही है कि पीकू पीकू, कैडेट चिल्ला रहा है उधर से, मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी पीकू। बट ओ मको लवी, तू ऐसा कर देता है भाई। लवी बॉय, ये तो चार जवान खड़े हैं यहाँ पर, क्या बात है, क्या बात है। एटलीस्ट 24 तो बननी चाहिए भाई, यही हम सबकी गुजारिश है, आपकी भी और हमारी भी, दर्शकों की भी, जिनके मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि आज सर बना रहे हैं झोल मोमोज, जो कि आइडिया मेरा ही है, पूरा क्रेडिट मैं लेके रहूंगा। हाँ भाई, आइडिया मेन होता ना। तो लवी भाई बना रहे हैं झोल मोमोज, इन्होंने मैदे का जो तैयार किया है, जो भी है भाई मामला, पर बहुत ही प्यारा नजर आ रहा है भाई। ऊपर से मोमो देख कर तो दिमाग ही खराब हो गया भाई, जब ये झोल में भीगेंगे तो ये दिल ले जाएंगे भाई, और सीधा सीधा बिना प्रपोज किए। नमस्कार भाई, है यार हम आज बना रहे हैं झोल मोमोज। कौन हॉर्न मार रहा है, ये कौन है, किसके लग गई? तो आज हम झोल मोमोज बना रहे हैं, बहुत प्यारी खुशबू चल रही घर के अंदर। ये इन्होंने ये तैयार किया है, जो क्या है भाई, ये मसाला, मतलब मोमो के अंदर यही डलेगा भाई। लवी एटलीस्ट 24 बना दियो भाई, चार लोग हैं, छह छह तो आए सबके पेट में, है ना भाई। ये देखो छोटे छोटे लोइयां तैयार कर रही हैं लवी भाई ने। वही तो कर, तूने करनी हो। अच्छा, इसलिए मुझे बुला रहे हो आप, प्यार है ये। अच्छा रुको दो मिनट, खुशकिस्मती है हमारी कि आज लवी भाई घर पर हैं, नहीं तो ये घर पर तो थे नहीं इतने दिनों से। भाई तुम दिल्ली में रहते कहाँ हो भाई? यार कितने बजे, 24 से मुझे लग रहा ज़्यादा, मुझे 50 तो नहीं बन जाएंगे लवी, 50 नहीं बन पाएंगे, बहुत बुरा। 30-35 इनफ इनक हो गया, इनक भरने कैसे, ये देख भरने का मत सीखा भाई मेरे को, तू ही तो भरेगा तो मैं बेलूंगा, बेल नहीं पाएगा भाई। ये सारा व्लॉग एडिट कर दूंगा सर, ये बता दूंगा कि मैं बना रहा हूँ मोमोज, देख। कुछ नहीं करना यार, इसको ऐसे रखा, भाई दोबारा अगर आपको मोमो बनाने सीखने हैं तो भाई यहाँ से सीख लो लवी भाई से। लवी भाई आज कुछ वो उन चीज़ों का भी खुलासा कीजिए जो कुछ लोगों को पता नहीं है। क्या बात है लवी करके दिखा लोगों को, गाइजों को। भाई ये तो तूने मेरी जिंदगी सिल दी भाई। तो मुझे मत सिखा भाई, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तू ही कर सकता है। लवी कुछ खुलासे करो प्लीज। लवी का यहाँ दिल्ली में, जब हम भी नहीं आए थे दिल्ली में, लवी का यहाँ खुद का एक स्टार्टअप था, अच्छा खासा फ्लरिश हो रहा था इनका बिजनेस, बट लॉकडाउन लग गया गाइस। जैसे मेरे मुंबई पे लॉकडाउन लगा, वैसे इनके बिजनेस पे लॉकडाउन लगा। लवी भैया जो है बचपन से ही बिजनेस माइंडेड है और फूड एंटरप्रेन्योर है, स्टार्टअप करना इनके काफ़ी दिल के करीब है। इस दौरान आप बाहर का मौसम देखेंगे अगर, तो दिन भर से ही ख़राब है, ये हवाएं जो चल रही हैं कभी भी तेज़ हो जाती हैं, बहुत तेज़ हो जाती हैं। ये जो मोमोज हैं इनको हम कैसे बनाएंगे मैं आपको बता देता हूँ, ये इडली वाले बर्तन से। तो भैया आप जो है इसमें हमने ऑयल चढ़ा दिया, ऑयल तो ऐसे गैप में एक एक मोमो रख देंगे, ठीक है भाई, इस तरीके से सब में रख लेंगे भाई। रेडी रख दूं? डन है जी, खेला शुरू। इसको रखे हुए दो तीन मिनट, कितने मिनट हो गए? इसको दो मिनट हो गए, पर ये इन्होंने रंग ले लिया है भाई अपना। लवी कह रहा है ये उसमें आ गए हैं, किसमें भाई? औकात में। मीनू बहुत खुश होगी क्योंकि वो तो अवॉइड कर रही, बाहर का कुछ भी नहीं खा रही, वो कुछ भी नहीं, इवन पार्टीज में भी नहीं, कहीं कुछ नहीं, तो उसको बहुत पसंद आएगा ये। 763 नहीं, अभी नहीं खोलनी आगे।
अरे नहीं डरने की बात भाई, अरे डरने की बात नहीं है, मैं चुप हूं। चलो चलो आगे खोलो। नहीं आपके लिए थोड़ी बनाया है, झोल ये नहीं बना रहा, झोल मोमोज बना रहे। मजा ही आ गया। मैंने क्या बोलता? हाँ मेरे तो मुंह में स्वाद आ गया अभी। मजेदार। कब से नहीं खाए मोमो? बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, मैंने पटाया तेरे देवर को। हाँ अबे चल, अब मेरी मेरा ही वो रह गया है, बस मेरा योगदान बाकी है बस। तुझे तूने कभी खाया नहीं ना झोल मोमोज? बस आज तू मेरे हाथ की खाई है। कह रही एक दो मुझे ऐसे भी चखा देना। इसको डाउट है, इसको डाउट है कि मेरा उस झोल कहीं खराब ना हो। अनु क्या बना रहा है? हाँ? मैं बना रहा हूँ झोल, जिस झोल में मोमो को डिप करना है, मतलब सूप ही होता है ये। नेपाली डिश है। नेपाल? नेपाली डिश है। नेपाली? नेपलीज कहते हैं इंग्लिश में। नेपालीज। फाइनली क्या कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग ने मसाला बनाया है यहाँ पर। हरी मिर्च, लाल मिर्च, साबुत का थोड़ा जिंजर, जिंजर लेमन और प्याज, टमाटर, थोड़ा सा कोरिएंडर के डंठल डाल रहे हैं इसमें। तो बिल्कुल रेसिपी वाइज बना रहे हैं क्या? Exactly. ये सेसमे सीड्स और पीनट्स। अरे बताओ उसके बारे में कुछ। और ये मोमोज, एक खा लूं? नहीं खा लूं। अभी तो तूने खाया है एक, कैसा लगा? बहुत टेस्टी। तो ये सेसमे सीड्स हैं भाई, तिल तिल है, तिल थोड़ी मूंगफली, इनको हमने रोस्ट कर लिया है। थोड़ा सोयाबीन हमें मिला नहीं यार, कहीं पर भी सोयाबीन की दाल कहीं मिली नहीं। लगता है कोई आ गया है। ओह दैट सागर, हाय सागर। हेलो। देखना क्या बन रहा है, देख तो। लवी ने बनाए मोमोस, अब पीकू बना रहे हैं। पीकू बना रहे हैं वो झोल, मतलब झोल मोमो बना रहे हैं। दिल्ली आना सफल हुआ मतलब, है ना? आपको गिफ्ट मेरी तरफ से। फोटो लेने के बाद अपना मसाला यहाँ पक्के तैयार है, इसको हमने इसके अंदर भर दिया है और बाकी हम इसमें डाल रहे हैं सेसमे सीड्स और ये जो रोस्ट किया हुआ है हमने मूंगफली, ये सब चीजों को रोस्ट करके रखा हुआ है हमने। अब देखो वो जो ग्राइंड किया हमने उसको पानी थोड़ा ऐड करके सूप उबालने रखा है कढ़ाई में। वो सूप उस नेपाली सूप के कितना क्लोज है ये मुझे नहीं मालूम। तो ऐसा करेंगे, 5 मोमो डालूंगा सूप में, 2 तुम अलग से रखना ताकि तुम डरा नहीं रहा हूँ। अगर अच्छा नहीं हुआ सूप तो 5 मोमो तुमने सूप में, कम से कम 2 मोमो बचे ना तुम्हारे पास। मोमो तो बढ़िया ही होंगे, मोमो लवी ने बना रखे हैं। 29 मोमोज थे ना, 7 × 4 = 28, 28 होने चाहिए थे, तो एक एक्स्ट्रा था इनने खा दिया। बस अभी उसको सूप डालना है मोमोज के ऊपर और गार्निश करके लाते हैं आपके सामने, देखना कैसे बने हैं। बचाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले ही बोल देता हूँ मैं, लवी कह रहा है लवी पहली बार ट्राई करेगा झोल मोमोज। डाल दे यार चटनी पता नहीं उसके क्लोज आई कि नहीं आई पता नहीं, पर खा लो। चल सबसे पहले सागर खाएगा, रुक जा। कह रहा हाँ यार प्लीज यार, सबके मुंह में पानी आ रहा है उधर भाई, ज्यादा गर्म ना हो, हाफ हाफ करके खा ले, स्टीम से निकाले मैंने भाई, टेस्ट करके बताओ कैसा हो रहा है एक्सपेरिमेंट। बहुत बढ़िया है, बढ़िया हो रहे। चल भाई खा के, ना 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 हाफ काट उसको और पूरा एक साथ खा। हाँ यार सच में गजब, उस पे खुशबू ही बहुत तगड़ी।
है सूपी। चल अब तेरी रिएक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी कर जल्दी कर। मजा आ गया। अब आपकी चलो फिर दो दो मोमो और बचे हैं भाई, वहाँ स्टीम हो रहे हैं। बहुत ही अल्टीमेट हो रहा है भाई, जल्दी कहो यार, मैंने कैमरा पकड़ रखा है। बहुत ही कमाल। ऐसा अगर कहीं खाने को मिल जाए हमको, कहीं जाएं अगर किसी स्टॉल पे, दो दो मोमो और है, बहुत ही टेस्टी बने भाई, गजब। अब यहाँ पर ना फूड की बात हो रही है फिलहाल सिर्फ और सिर्फ, अब पता है क्या, पर और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत टेस्टी होती हैं डिशेस, जैसे लिट्टी चोखा मैंने लाइफ में नहीं खाया था, पर जब मैंने पहली बार मुंबई में खाया मैंने लिट्टी चोखा, पहले मैं फ़ैन हो गया था उसका भाई, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेस्टी होता है। चलो यार ये खाने छाने की बातें चलती रहेंगी, फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन का बटन दबाएं, उसके अलग मजे हैं गारंटेड फन। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यार दो ब्लॉग आ रहे हैं।